मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर खुरम शेराज, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और रिहैब होम में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं। तो आज हम पूछते हैं नशे के बारे में कि सबसे कॉमन नशा कौन सा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे कॉमन नशा जो है हमारी सोसाइटी में वो कौन सा है? अगर आप बात करेंगे कि जो आसानी के साथ मैसर भी हो, आसानी के साथ हमें मिल भी जाए, तो सबसे पहला जो है, अगर सादा स्मोकिंग के बाद अगर हम बात करें तो लोग चर्स के नशे की तरफ आते हैं। अब चर्स का नशा एक ऐसा नशा होता है जिसका अफेक्ट जो होता है, असरात जो होते हैं, वो जिस्म पर कम और दिमाग पर ज़्यादा होते हैं। उस क्योंकि ये एक साइको एक्टिव ड्रग्स है। साइको एक्टिव ड्रग की कई, अब कैनाबिस को अगर हम देखें तो इसमें कई मॉडिफाइड शेप्स आ चुकी हैं, आइस की शक्ल में और भी कई चीज़ें बन चुकी हैं, तो इसमें स्टिमुलेशंस होती है। ये हमारे अंदर एक हाइपर एक्टिविटी को बनाने का एक अहम सबब बनती है। तो सर लोग इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? लोग इसका इस्तेमाल सिगरेट में इसको भर के पीते हैं और इसको पीने के बाद जो वो लोग होते हैं वो कई कई घंटों तक जाग सकते हैं, कई कई घंटे जो हैं वो एनर्जी फील करते हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर हजरात नाइट ड्यूटी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत से लोग जो हैं जो के प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे हैं वो भी इसमें मुबतला हैं अनफॉर्चुनेटली। सर अक्सर हमने देखा है हमारी सोसाइटी में जो चर्स है उसको नशा नहीं मानते, तो क्या वजह है इसके पीछे कि चर्स को वो लोग नशा नहीं मानते? हाँ, वो इसलिए इसको नशा नहीं मानते क्योंकि वो कहते हैं कि ना तो इससे हमारी जिस्मानी हालत में कोई फ़र्क आता है, हम कमज़ोर नहीं होते, बल्कि हम पहले से मज़ीद बेहतर हो जाते हैं। हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बढ़ जाता है, हम चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देने के काबिल हो जाते हैं। वो काम जो हम 8 घंटों में इसके बगैर करें, वही काम हम 2 घंटों में कर सकते हैं इसके साथ। तो ये किस तरह नुकसान का बायस हुई, किस तरह ये डिसऑर्डर हुई? तो सर अक्सर फिर ये भी हमें सुनने को मिलता है जब कोई पेशेंट आता है तो कहते हैं चर्स नशा नहीं है, तो इसी वजह से फिर वो हमें ये कहते हैं कि चर्स वाकई नशा नहीं है। हाँ, अगर कोई पेशेंट ऐसा कहता है तो आप उनसे पूछें क्या है इसकी वजह से आपकी जो ज़हनी हालत है इस पर कोई असरात आए हैं? तो जब वो ये सोचेंगे ना कि हाँ जी जब मैं इसका नशा उतरता है उसके बाद कई कई घंटे मैं सो नहीं पाता या आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, खाने पीने की रूटीन ख़राब हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बेचैनी आ जाती है, घर वालों के साथ रवैया ठीक नहीं रहता, तो ये सारे ज़हनी मसाइल हैं। जब आप उनसे ये पूछेंगे क्या इसकी वजह से आपकी कोई ज़हनी हालत में फ़र्क आया, तो ये सारी अलामतें कुछ बताना शुरू करेंगे। आप उनसे पूछ भी सकते हैं ऐसा हुआ तो वो आपको बताएंगे हाँ जी ये तो है, ये तो है। और बाद ऐसे लोग भी होते हैं जिनको इस नशे की वजह से आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं, लोग दिखाई देना शुरू हो जाते हैं जो कि हकीकत में मौजूद भी नहीं होते, और इसके अलावा वो दूसरों को अपने खिलाफ समझना शुरू कर देते हैं, उनमें शक व शुभात वहम जो है वो भर जाते हैं कि लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लोग उस पर नज़र रखे हुए हैं, कोई फोर्सेस जो हैं उसको ढूंढ रही हैं या वो बहुत बड़ी हस्ती हैं, इस तरह के उनके नेगेटिव बिलीफ बनना शुरू हो जाते हैं जिनका रियलिटी से कोई तल्लक नहीं होता। सर इससे कोई रिसर्चेस भी साबित करती हैं कि वाकई ये नशा है, इसके कोई नुकसान हैं, तो अगर कोई हुई है तो काइंडली वो शेयर करें। हाँ जी, बहुत सी रिसर्चेस से ये बात साबित हुई है कि जो बंदा जो चर्स का इस्तेमाल करता है अगर वो अपनी ज़िंदगी में 10 मरतबा चर्स का इस्तेमाल कर लेगा तो 70% चांसेस होते हैं कि वो बड़ा होकर शिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर में मुबतला हो जाएगा। अब शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसा मर्ज है जिसका इलाज नहीं है, जो कि मेडिसिन के साथ सिर्फ हम इसको क्योर कर सकते हैं। सारी ज़िंदगी मेडिसिन चलती है, साथ साथ साइकोथेरेपी चलती है, तो वो कंट्रोल में बंदा रहता है, अदरवाइज वो बंदा अपने लिए और माशरे के लिए ख़तरे का बायस बन जाता है। सर एक और कॉमन सा क्वेश्चन है कि इसका जो इलाज है कैसे पॉसिबल है? अक्सर हमने लोगों से सुना कि चर्स पीने वाले जो है कभी चर्स छोड़ ही नहीं सकते।
ये चीज़ तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये लोगों का एक मैथ कह रहे हैं आप कि ये लोगों का एक गलत नज़रिया है कि छोड़ नहीं सकते, छोड़ी जाती है। इसके लिए आपको जो है एक मुकम्मल, पहले तो उस बंदे को साइको एजुकेट करने के साथ साथ उसकी फैमिली को साइको एजुकेट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मोस्टली लोग ये समझते हैं कि जी ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि सिर्फ 4-5 दिन मेडिसिन खा ली, दर्द वगैरह ख़त्म हो गई तो इलाज हो गया। इलाज नहीं हुआ, क्योंकि ये आपके ब्लड के अंदर शामिल होती है और ब्लड के अंदर से साफ करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, और इसके कम से कम भी जो इलाज है वो 3 मंथ का होना ज़रूरी है। और इसके साइड इफ़ेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि जी शिज़ोफ्रेनिया हो जाता है, साइकोटिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, ये फैमिली को साइको एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फैमिली इसको इतना कंसीडर नहीं कर रही होती, फैमिली को इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो हमें चाहिए कि फैमिली को साइको एजुकेट करें, उन्हें कहें कि 3 मंथ का इसका इलाज करवाएं, और उसके बाद फैमिली का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा अहम कंसीडर होता है कि जब एक बंदा इधर से रिहैबिलिटेशन सेंटर से चला जाए तो उसके बाद फैमिली उसको फॉलो अप पे रेगुलर बेसिस पे लेके आए, जो भी साइकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट उसको टाइम दे, उस टाइम की वो पाबंदी करें और पाबंदी के साथ वो आए, ना कि अपने पेशेंट की बात पे यकीन करें कि अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है, 1 महीना हो गया घर से बाहर नहीं निकला, तो अब सेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ये सेम उसी तरह ही होता है कि जी जिस तरह एक बाइक चलती है उसको ट्यूनर की ज़रूरत होती है, इसी तरह इंसान भी चलता है, उसके भी नज़रियात को चेंज करने की ज़रूरत होती है। अगर तो माँ बाप उसको नहीं लेके आएंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो दूसरे लोग हैं, जो नशा करने वाले लोग हैं, वो उनकी सोचों पर हावी हो जाएंगे और वो आप कुछ ही महीनों में दोबारा से नशा स्टार्ट कर देगा। सर, इसका जो इलाज है किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर मौजूदा के पेशेंट को घर रख कर जो है इलाज करवाना जाए? घर रख के इसका इलाज नामुमकिन है। आप घर रख के मेडिसिन दे भी देंगे लेकिन वो बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो बंदा साथ साथ मेडिसिन भी इस्तेमाल करेगा, साथ साथ नशा भी करेगा, इसलिए इसका इलाज सिर्फ रिहैबिलिटेशन सेंटर में ही मुमकिन है, ताकि पूरी फैमिली से वो बंदा कट ऑफ हो जाए और एक अपनी जो नए सिरे से नई ज़िंदगी का आगाज़ करना सीखे, आके अपनी सोचों को वो चेंज करवाए साइकोलॉजिस्ट के थ्रू। शुक्रिया सर करम, आपने जो है नशे के मुतालिक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की, और अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप जो है हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह ऑनलाइन सेशन भी कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और नंबर मेरा भी दिया हुआ है, फीस आपका भी दिया हुआ है, जिससे करवाना चाहें आप उसे कॉमर्स करें, अपना ऑनलाइन सेशन कॉन्टेक्ट करवाएं। अगर आपको अपनी फैमिली से मुतल्लिक कोई मालूमात, अपने प्यारे से की ज़िंदगी से मुतल्लिक कोई मालूमात शेयर करनी हो, आप उसके बारे में मालूमात भी ले सकते हैं, उसके इलाज का तरीकाकार भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह, और इंशाल्लाह हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।